1993 से मैं प्रयासरत था कि बेगूसराय से चुनाव लड़ूं। 2014 में स्वर्गीय भोला बाबू नवादा से सांसद थे, उनकी इच्छा थी, मानवर भोला बाबू जो हम लोगों के नेता थे, मुझे भोला बाबू के आशीर्वाद से नवादा में हम केवल विजयी नहीं हुए भारी मतों से, बल्कि वहां के लोगों का प्यार लिया। आज बेगूसराय की धरती पर हम आए हैं। ये धरती मेरे लिए राजनीतिक धरती नहीं है, मेरे लिए ये चुनावी धरती नहीं है, ये मेरे लिए पहचान की जगह है। अगर पूरे देश में गिरिराज को कोई जानता है तो बेगूसराय के नाम से जानता है। अगर गंगा के उस पार और गंगा के इस पार दो ही होता है, माँ और पिता, दोनों मेरा बेगूसराय ही है। मैं आज इतना ही कहूँगा, यहाँ की लड़ाई केवल दो धरा के बीच में है, वो धरा जो एक भारत को अपमानित करना चाहता है, एक धरा जो आतंकवादियों से गले मिलाता है, एक धरा जो कहता है कि पाकिस्तान को जो एक बार गाली देगा मैं 10 बार गाली दूंगा, एक धरा ये है विकृत राष्ट्रवाद की धरा, दूसरी धरा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की। यहाँ का चुनाव केवल दो ही बिंदुओं पर होगा, वो होगा विकास पर, सबका साथ सबका विकास। ये चुनाव होगा गरीबों के लिए, ये चुनाव होगा विकृत मानसिकता के खिलाफ, बेगूसराय की जनता को इकट्ठा कर उनको जवाब देना। कन्हैया भी सामने है, राजद के तनवीर हसन से किनसे मांगते हैं, आपकी लड़ाई किससे होगी? देखिए, मैंने बार बार कहा है, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई अगर है देश में, आज ये महागठबंधन जो अपने को कहते हैं, हम महाठगबंधन कहते हैं, और जो महाठगबंधन है वो महामिलावट है। ममता बनर्जी की आंसू पोंछने के लिए यहाँ से राहुल गांधी जाते हैं, लेकिन जब वोट मांगने जाते हैं तो ममता बनर्जी पर आग बरसते हैं। आज बिहार की स्थिति आपने देखा होगा, महागठबंधन का, मेरी लड़ाई उस विकृत मानसिकता के खिलाफ है। आज लड़ाई है, तुम्हें सबूत चाहिए या अभिनंदन जैसा सपूत चाहिए, मेरी लड़ाई। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।